Hello dear student, very good evening to all of you. Welcome to the class. This is Mahima, your biology educator, and in this class we are going to start with our next chapter, that is body fluid and circulation. Human physiology hum kar rahe the aur human physiology ka hamara second chapter hai body fluid and circulation. Body fluid and circulation, jaise aapko naam se pata chal raha hai fluid, to that is definitely koi fluid hoga jiski wajah se कुछ ना कुछ सर्कुलेट हो रहा है. क्या सर्कुलेट हो रहा है, क्या सर्कुलेट करना है हमें, तो कुछ गैसेस, कोई भी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, एंजाइम, इन सब का ट्रांसपोर्ट जब आपको कराना होता है तो आप क्या कर रहे हो, एक मीडियम का यूज कर रहे हो, दैट इज फ्लूड. तो फ्लूड जो है हमारे पास दो तरह के फ्लूड होंगे, ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड एंड लिम्फ, तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर में हम टोटल तीन चीजों को पढ़ेंगे. तीन चीजें क्या क्या है हमारे पास, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट. ये तीनों चीजें मिलकर आपका क्या बनाती है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम फॉर्म करती है, ठीक है, जिसमें आपका कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होगा. वो किसके थ्रू होगा, मीडियम के थ्रू, दैट इज ब्लड. अब वो ट्रांसपोर्ट जो है, जो ब्लड जा रहा होगा, वो भी किसी सब किसी डक्ट के थ्रू, किसी ट्यूब के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, दैट इज ब्लड वेसल. एंड फाइनली किसी ऑर्गन के थ्रू वो पास होकर जा रहा होगा, जिसमें ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म आपकी दोनों हो सकती है, और वो क्या है हमारे पास, हार्ट. आज के लेक्चर में हम किसको स्टडी करेंगे, ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लड से. तो ब्लड एक आपका स्पेशल कनेक्टिव फ्लूड है. दिस इज अ स्पेशल कनेक्टिव फ्लूड. छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू होता है बेसिकली, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में ही आता है आपका, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल कनेक्टिव फ्लूड बोलते हैं. ब्लड आपका दो चीजों से मिलकर बना, दैट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अराउंड 55% आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड में, एंड 45% आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. नाउ व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है आपके, जितने भी आपके सेल्स हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, ये सभी सेल्स मिलकर, एक साथ मिलकर क्या बोल रहे हैं हम इनको, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है. ये सब मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं आपका, फॉर्म्ड एलिमेंट. सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में. सो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूड होता है, स्लाइटली येलो सा कलर का फ्लूड होगा ये आपका, विस्कस फ्लूड होगा. विस्कस फ्लूड मतलब एकदम लिक्विड फॉर्म नहीं होगी, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आपका क्या है, विस्कस फ्लूड होता है. प्लाज्मा में अराउंड 90 to 92% आपका वॉटर प्रेजेंट होगा, एंड 6 to 8% आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा आपका 90 to 92% वाटर से मिलकर बना है, एंड अराउंड 6 to 8% आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अराउंड 6 to 8% आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे. इसके अलावा अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं आपके, आयंस हो गए, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये आपके आयंस, ये सभी किसमें प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा में होंगे. अदर देन दिस आपके पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है. सो ये सारी चीजें क्या, ये सब प्लाज्मा की कंपोजिशन में आ जाते हैं, कि प्लाज्मा का कलर कैसे है, स्ट्रॉ कलर्ड है, येलोइश, स्लाइट येलोइश कलर आपका होता है, विस्कस फ्लूड है. प्लाज्मा में दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वाटर होता है, एक प्रोटीन होता है. अराउंड 90 to 92% आपका वाटर होता है, एंड 6 to 8% आपका प्रोटीन होता है. ये ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, बट कुछ अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में आपके आयंस या ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ऐसी चीजें भी जो है आपकी प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है. देन प्लाज्मा के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो हमने कहा कि ब्लड प्लाज्मा का बना है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स का 55% तो प्लाज्मा है, रिमेनिंग 45% आपका क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स,
erythrocytes, leukocytes and platelets. Erythrocytes, leukocytes and platelets. Erythrocytes are also known as red blood cells, commonly known as red blood cells. Leukocyte is known as white blood cells and platelets ko to aap platelets keh rahe ho, iske alawa aap usko thrombocytes bhi bol sakte, also known as thrombocytes. So, ये तीन तरह के सेल्स जो है आपकी बॉडी में आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ये सब मिलकर आपका क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट्स के बारे में. एरिथ्रोसाइट्स ऑल्सो नोन एज आरबीसी, ये हमें पता है. दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, मोस्ट अबंडेंट सेल्स. देखो ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आपके पास आपने पढ़ा हुआ है कि ये ब्लड क्या है, ब्लड वेसल क्या है, हार्ट क्या है, कुछ चीजें जो है आपकी एडवांस आएंगी. बट अभी आज के लेक्चर की अगर बात करूँ तो ये बहुत ही बेसिक है, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, बस आपको क्या करना है, रिकॉल करना है सिंपली. ठीक है, तो ये सब याद हो जाएगा, एक बार फटाफट से पढ़ लो मेरे साथ. क्या है आपका मोस्ट ऑफ द ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं या आरबीसी होते हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं. इनके नंबर की अगर हम बात करें तो अराउंड 5 to 5.5 मिलियन ये प्रेजेंट होते हैं पर एमएम क्यूब के अकॉर्डिंग. ठीक है, पर एमएम क्यूब के अकॉर्डिंग ये आपके 5 to 5.5 मिलियन नंबर इनका प्रेजेंट होता है. दे आर बायकनकेव, शेप कैसी है इनकी, बायकनकेव इस तरह के कुछ सेल्स होंगे, ये बायकनकेव शेप है. नॉर्मल शेप जो होती है वो बायकनकेव होती है. देन इसके बाद अगर किसी को डिसऑर्डर है तो शेप जनरली चेंज हो जाती है हमारी सिकल सेल में, सिकल शेप में चेंज हो जाती है इन केस अगर किसी को डिसऑर्डर होगा. ठीक है, तो दे आर बायकनकेव. अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, हेंस दीज आर कॉल्ड ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, दीज आर कॉल्ड ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, विदाउट न्यूक्लियस होते. ऐसा क्यों होगा, इनके पास न्यूक्लियस क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक सब्सटेंस कंटेन करते हैं. इनके पास एक सब्सटेंस होता है, इसको हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन. दिस इज नोन एज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो है आपका एक रेड कलर का, रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ठीक है, अब यहाँ पर आरबीसी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने पास न्यूक्लियस रखेंगे, बहुत सारा न्यूक्लियस रख लिया सपोज करो, तो अब हीमोग्लोबिन कह रहा है कि मुझे तो जगह ही नहीं मिली, मैं कहाँ जाऊं. तो इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को मारा धक्का, उसको मारा बाहर फेंक दिया और क्या किया, सारे के सारे हीमोग्लोबिन को यहाँ पर स्टोर करके रख लिया. हीमोग्लोबिन रखने की क्या जरूरत थी, न्यूक्लियस को क्यों फेंक दिया. इसका एक रीजन है कि जो हीमोग्लोबिन है ये आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. हीमोग्लोबिन जो है ये आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, दैट मीन्स इसके पास कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है. ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कैसे बाइंड करेगा. अब हीमोग्लोबिन के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं, दो अल्फा चेन होती हैं आपकी, दो बीटा चेन होती है. ठीक है, दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन. सपोज करो ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है और ये उसकी चेन होगी. ठीक है, एक तो है आपकी अल्फा चेन, दो दो क्या है आपकी बीटा चेन. ठीक है, अब इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में ये क्या कंटेन करता है, आयरन, Fe2 पॉजिटिव. इसके पास क्या है, Fe2 पॉजिटिव है, दैट मींस हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. ये कैसा पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. इसके पास क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट. ठीक है, यहाँ पे भी आयरन है, ये भी आयरन है. ये आयरन क्या करता है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करा लेता है.
दो मॉलिक्यूल्स, दो चेन है आपकी, अल्फा चेन, दो अल्फा चेन, दो बीटा चेन, इनमें क्या है, हीमोग्लोबिन है. सो हीमोग्लोबिन एक आयरन के साथ जुड़ा हुआ है और एक आयरन आपका एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेकर आ रहा है. दैट मीन्स कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल टोटल चार ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ला रहा है. एक ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये आ रहा है, एक ऑक्सीजन ये रही और फोर्थ ऑक्सीजन ये रही. तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल टोटल चार ऑक्सीजन अपने साथ क्या करता है, बाइंड करके लाता है. तो आरबीसीज क्या है, आपके रेड ब्लड सेल्स मोस्ट अबंडेंट सेल्स है. इनका नंबर है 5 to 5.5 मिलियन है. शेप कैसी है इनकी, बायकनकेव है. ई न्यूक्लिएटेड होंगे, विदाउट न्यूक्लियस होंगे. न्यूक्लियस की जगह इनके पास क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट. ठीक है, अब आप क्वेश्चन करोगे कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये कैसे लिविंग सेल हैं या नॉन लिविंग सेल है, इनको हम क्या बोलेंगे. इन ये एक्चुअल में आपके क्या है, लिविंग सेल. ठीक है, बेशक इनके पास न्यूक्लियस नहीं है बट ये एक्चुअल में लिविंग सेल है, क्योंकि ये क्या कंटेन कर रही है, साइटोप्लाज्म तो कंटेन कर ही रही और साइटोप्लाज्म में एक्टिविटीज हो जाएंगी. जो भी आपकी सेल्स की एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना है, ये सब चीजें जो है ये साइटोप्लाज्म में आपका परफॉर्म हो जाएगा. तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं कि ये लिविंग है. क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही हम इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज लिविंग. तब आप डिफाइन करते हो कि मेटाबॉलिज्म एक क्राइटेरिया होता है जिससे हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है. तो यहाँ पर भी अगर किसी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दैट मीन्स कि वो लिविंग. ठीक है, उस सेल को आप क्या कहोगे कि वो सेल कैसा है, आपका लिविंग सेल. ऑन एन एवरेज अगर हम कहें कि जो आपका आरबीसी है, अराउंड 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो आपका प्रेजेंट होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड. ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड में अराउंड आपका 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है, हीमो. ठीक है, अब ये आरबीसी कर क्या रहा है, एक फंक्शन आपको पता चल गया, रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. ठीक है, किस लिए चाहिए हमें आरबीसी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट या कोई भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, आरबीसी की रिक्वायरमेंट. आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो. बोन में आपके पास रेड बोन मैरो होता है. रेड बोन मैरो के अंदर आपके क्या फॉर्म हो रहे हैं, आरबीसी फॉर्म हो रहे हैं. आरबीसी का एक लाइफ स्पैन है, दैट इज 120 डेज. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज. यानी कि कोई भी आरबीसी जो आपका फॉर्म हुआ है वो आरबीसी आपका सिर्फ 120 डेज के लिए ही सर्वाइव करेगा. 120 डेज के बाद उसकी डेथ हो जाती है और वो कहाँ चला जाता है, अपने ग्रेवयार्ड. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, आपके पास एक ऑर्गन होता है बॉडी में, दैट इज स्प्लीन. तो स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहां पे सारे के सारे आपकी डेड आरबीसी जो है वो कहाँ चल जाएंगे, स्प्लीन में चले जाएंगे. तो बड़ी बेसिक सी चीज है आपके पास आरबीसी के बारे में जो बताया, कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, इनका नंबर है 5 to 5.5, बाइकनकेव शेप के हैं, ई न्यूक्लिएटेड सेल्स है, विदाउट न्यूक्लियस होंगे. न्यूक्लियस के क्या, इनके न्यूक्लियस के अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट है, आपका हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में आयरन प्रेजेंट है. आयरन है तो उसके पास एफिनिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, आपके ऑक्सीजन को बाइंड करके लेकर आ सकता है. हीमोग्लोबिन के पास दो चेन होंगी, दो अल्फा चेन होंगी, दो बीटा चेन होंगी. ठीक है, तो टोटल चार चेन है आपके पास. एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आपके चार ऑक्सीजन को बाइंड करके लाने का काम कर रहा है. एवरेज अगर हम बात करें, एवरेज आपका हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ ब्लड. आरबीसी का काम क्या होगा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, गैसेस, इन सबको ट्रांसपोर्ट करना. एंड दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो. एंड इनका लाइफ स्पैन क्या है, 120 डेज, और 120 डेज बाद ये कहाँ चले जाएंगे, अपने ग्रेवयार्ड में, दैट इज आरबीसी. तो ये बड़ा ही बेसिक सा था हमारे आरबीसी के बारे में. देन हमारे पास नेक्स्ट आता है ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स. ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स. दीज आर
कलरलेस, व्हाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके कलरलेस है, ठीक है। क्यों कलरलेस है? ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनके पास हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उसको रेड कलर प्रोवाइड कर रहा था। व्हाइट ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन नहीं है, सो इसलिए ये आपके कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, दीज आर कलरलेस, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर, WBCs आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हेंस दीज आर कॉल्ड न्यूक्लिएटेड। नंबर जो है इनका बहुत ही कम रहता है, मतलब आरबीसी से अगर हम कंपेयर करें वो मिलियंस में थे, ये आपके सिर्फ थाउजेंड में, 6,000 to 8,000 पर, ठीक है, 6,000 to 8,000। लाइफ साइकिल भी काफी शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, वो 120 डेज के लिए थे, ये आपके अराउंड 1 to 15 डेज के लिए ही सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, 1 to 15 डेज के लिए सरवाइव कर पाए। नाउ व्हाइट ब्लड सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, व्हाइट ब्लड सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलो, ग्रेन्यूलोसाइट्स दैट मींस वो सेल्स जिनके पास उनके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, जिनके पास क्या होगा? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। ग्रेन्यूल्स कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कुछ ना कुछ स्टोर करने का काम करते हैं बेसिकली, एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनके पास ग्रेन्यूल्स जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट फिर फर्दर हमारे तीन टाइप के, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में हमने दो टाइप्स फिलहाल पढ़नी है, दैट इज लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये चार्ट याद रख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डब्ल्यूबीसी हमारा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रेन्यूलोसाइट एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट मींस जिनके पास उनके स्ट्रक्चर में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ए ग्रेन्यूलोसाइट मींस जो कि ग्रेन्यूल्स कंटेन नहीं करेंगे। ग्रेन्यूलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जो हमारे दो टाइप के होंगे, दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स की, ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब एक तो इनको नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ज्यादा कि ये कैसे डिफरेंशिएटेड आपकी। बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये हमने डाई के बेसिस पे हमने इनको डिफरेंशिएट किया होता है। बेसोफिल्स मतलब जो आपके स्टेन ले लेते हैं बेसिक डाई से, स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, यानी कि अगर आप कोई बेसिक डाई डालोगे तो ये जो ग्रेन्यूल्स है ये उनका कलर ले लेंगे, जो इनका कलर आना चाहिए, ठीक है, वो कलर ये ले लेंगे। ऐसे इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स ये आपके, इओसिनोफिल्स भी बोल सकते हो या एसिडोफिल्स भी आप इसको बोल सकते हो, एसिडोफिल्स भी बोल सकते हो। ये आपके ऐसे ग्रेन्यूलोसाइट्स होंगे जो स्टेन लेंगे आपके एसिडिक स्टेट्स के, स्टेन्ड बाय एसिडिक डाई, एसिडिक डाई से स्टेन होंगे। एंड न्यूट्रोफिल्स जो आपके न्यूट्रल है, दैट मींस कि वो बेसिक डाई से भी स्टेन ले लेंगे और आपके एसिडिक डाई से भी स्टेन ले, स्टेन बाय बोथ बेसिक, बोथ बेसिक एंड एसिडिक डाई, बोथ बेसिक एंड एसिडिक डाई। सो ये तो एक कॉमन डिफरेंस जो आपको क्लियरली नाम के बेसिस पे आपको पता चल रहा है कि बेसोफिल्स जो है वो बेसिक डाई से स्टेन हो रहे हैं, इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स जो है आपके एसिडिक डाई से स्टेन हो रहे हैं, एंड न्यूट्रोफिल्स जो है वो आपके क्या हो रहा है, बेसिक डाई प्लस एसिडिक डाई दोनों से ही आपके क्या हो सकते हैं, स्टेन हो सकते हैं।
इयोसिनोफिल्स जो है उसका अमाउंट आपका 2-3% रहता है, ठीक है, जो नंबर होगा वो 2-3% होगा। बेसोफिल्स का नंबर और भी कम होता है, 0.5-1% जो है इनका नंबर होगा, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेंगे हमें, न्यूट्रोफिल्स, दैट इज 60-65% आपके क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर 60-65% न्यूट्रोफिल्स होंगे, 2-3% अमाउंट में आपके एसिडोफिल्स प्रेजेंट होंगे, एंड 0.5 to 1% जो है वो आपके क्या होंगे, बेसोफिल्स, ठीक है। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये मोस्ट अबंडेंट है, इनको लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ऐसी कि ये मोस्ट अबंडेंट है, नाम से ही पता चल रहा है, देख के ही परसेंट से पता चल रहा है कि ये आपके कैसे हैं, मोस्ट अबंडेंट है। इनका काम क्या है, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, सपोज करो जैसे ही कोई फॉरन सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर किया, जैसे ही कोई सब्सटेंस एंटर करेगा ये क्या करेंगे, फटाफट भाग के जाएंगे और उसको क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे, फटाफट से उसको एनगल्फ करके खा जाएंगे, दैट मीन्स उसको फटाफट से खत्म कर देंगे, क्लियर। एनगल्फिंग करना दैट मीन्स कि उन्होंने क्या किया, फेगोसाइटोसिस कर, ठीक है, क्या किया, फेगोसाइटोसिस कर दी। इयोसिनोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शन, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड कॉजेस एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शन को रोकने का काम करेंगे, सब क्या कर रहे हैं, फाइट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि WBC है ना, ये सभी WBC की टाइप्स है, WBC का मेन फंक्शन ही क्या होता है, फाइटिंग करना, कोई भी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस आ जाएगा सारे WBC क्या करने लग जाएंगे, फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं। अब रोकते रोकते क्या होता है कि जब लड़ाई होती है तो आपस में थोड़ी बहुत ना एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो जाते हैं बॉडी में, तो उसी के इफेक्ट में ही आपका एलर्जिक रिएक्शन जो है ये कॉज हो जाता है। देन बेसोफिल्स जो है, बेसोफिल्स आपकी कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करेंगे जैसे कि हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जो है आपकी ये तो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में आपके हेल्प करते हैं, एंड हेपरिन क्या है, एंटी कोएगुलेंट की तरह एक्ट करते हैं। एंटी कोएगुलेंट मतलब जैसे सपोज करो कोई भी कट लग गया, कहीं पे भी कट लग गया, तो अब यहां से क्या होगा, ब्लड रिलीज होगा। अब आप क्या चाहोगे कि कॉन्टिन्यूसली ब्लड जो है वो रिलीज होता रहे, इज इट पॉसिबल? अगर ऐसे तो होगा सारा का सारा ब्लड जो है उसका लॉस हो जाएगा, बॉडी से सारा ही ब्लड निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं करवा सकते। उसको क्या कराना पड़ेगा, उसको स्टॉप कराना पड़ेगा, कोएगुलेशन कराना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो एक एंटी कोएगुलेंट आपका एक्ट करता है, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट बेसिकली। वो नेचुरल एंटी कोएगुलेंट क्या है आपका, हेपरिन। हेपरिन एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, किसमें हेल्प करेगा आपको, क्लॉटिंग में हेल्प करने का काम करेगा। इसके अलावा ये भी आपके क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में हेल्प कर सकते हैं। चलिए देन अगर इनकी शेप की बात करें तो शेप सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल्स जो है, न्यूट्रोफिल्स जो है आपके, उनका जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है, कैसा न्यूक्लियस होगा, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होगा। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस में क्या होगा कि ये न्यूक्लियस है, फिर थोड़ा सा आगे ऐसे गया, ये न्यूक्लियस है, फिर और न्यूक्लियस आया, इस तरह से इसकी शेप देखने को मिलती है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स जो है आपके, उनमें क्या होता है, दोनों ही बाइलोब्ड है, सिंपली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है आपके, एक में बस आपको ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिलता है, और एक में आपको कनेक्शन जो है वो बहुत ही लाइट कनेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इयोसिनोफिल्स,
इयोसिनोफिल्स जो है आपके और बेसोफिल्स, ये आपके इस तरह के दिखते हैं। ये कैसे हैं? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि इनके पास दो लोब्स प्रेजेंट है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारा ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स आपके तीन तरह के ग्रेन्यूलोसाइट्स होंगे, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स जो है आपके बेसिक डाई से स्टेन हो रहे हैं, इओसिनोफिल्स जो है आपके एसिडिक डाई से स्टेन हो रहे हैं, एंड न्यूट्रोफिल्स जो है आपके वो कैसे हैं, दोनों से स्टेन हो रहे हैं, बेसिक से भी स्टेन हो रहे हैं एंड एसिडिक से भी स्टेन। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कौन से आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, इनका काम क्या है, ये फेगोसाइटोसिस करेंगे, जैसे ही फॉरेन सब्सटेंस आएगा उसको एनगल्फ करके फिनिश कर देंगे। ठीक है, इओसिनोफिल्स जो है आपके 2-3% के होते हैं, ये आपका रेजिस्ट करते हैं आपके इन्फेक्शन को और एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। बेसोफिल्स आपके 0.5-1% होंगे, ये फर्दर 3 सब्सटेंसेस सिक्रीट करेंगे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जो है वो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में हेल्प करते हैं, हेपरिन जो है वो आपका एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जो आपके ब्लड में पाया जाता है। फिर हमने बात करी कि इनकी कुछ ना कुछ शेप्स होंगी, बेसिकली वो शेप क्या है कि न्यूट्रोफिल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी लोब्ड आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलेंगे। इओसिनोफिल्स में आपका बाइलोब्ड है और ये थोड़ा सा पतला होता है, जो कनेक्शन होता है इनके बीच का वो थोड़ा सा थिन होगा। बेसोफिल्स में ये थोड़ा सा ज्यादा थिक रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा थिक रहेगा। देन हमारे पास क्या आता है, हमने ग्रेन्यूलोसाइट्स की तो बात कर ली, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हमारे फर्दर दो तरह के हैं। एक है आपके पास लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा है आपके पास मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो है वो आपके फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स आर आल्सो नोन एज बी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स को आप और क्या बोलोगे, बी सेल्स बोल सकते हो। टी लिम्फोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज टी सेल्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स क्या है आपके, ऑल्सो नोन एज टी सेल्स आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करेंगे। बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाने का काम करेंगे। ये एंटीबॉडीज फिर फर्दर जाके आपके एंटीजन, एंटीजन क्या है आपका, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जो भी हमारी बॉडी में एंटर किया है उसको आप क्या कहोगे, एंटीजन बोलोगे। उस एंटीजन से फाइट करने का काम कौन कर रहा है, बी लिम्फोसाइट्स कर रहे हैं। टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, हेल्प बी सेल्स टू मेक एंटीबॉडी, हेल्प बी सेल टू मेक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करेगा, बी लिम्फोसाइट कर रहा है, बट टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके। ठीक है, मोनोसाइट कुछ नहीं है, मोनोसाइट्स आपके फर्दर आगे चल के क्या करते हैं, मैक्रोफाजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैक्रोफाजेस थोड़े से बड़े बड़े सेल्स होते हैं आपके और ये क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करने का काम करेंगे, एनगल्फिंग कर लेंगे जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा। तो ए ग्रेन्यूलोसाइट आपके फर्दर दो तरह के हो गए, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है वो क्या है कि लिम्फोसाइट जो है उसमें आपका न्यूक्लियस आपका बिल्कुल राउंड न्यूक्लियस होता है इस तरह से। ठीक है, ये आपका राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ लिम्फोसाइट्स। पर अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें तो इसमें किडनी शेप आपका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ये किडनी शेप जैसा आपका न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो ये इनका क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है जो आप मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देख सकते हैं। चलिए, देन हमारे पास नेक्स्ट आता है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टाइप है फॉर्मड एलिमेंट्स की, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपके कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, दीज आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आप इनको बोलते हो। सबसे पहले एक सेल्स होते थे मेगा कैरियोसाइट्स, क्या होते थे, मेगा कैरियोसाइट्स। ये मेगा कैरियोसाइट्स में क्या होती है, डिवीजन होती है, ये डिवाइड करके आपके क्या फॉर्म कर देते हैं, प्लेटलेट्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ये डिवाइड करके आपके क्या फॉर्म कर देंगे, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कर देंगे। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन भी कुछ ज्यादा नहीं होता, अराउंड 7 डेज का लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, 7 डेज का लाइफ स्पैन होता है, बट इनका नंबर बहुत ज्यादा है। अराउंड 1.5 to 3 lakhs जो इनका नंबर मिलेगा। ठीक है, 1.5 to 3 lakhs पर एनम। इतना लाइफ स्पैन जो है, इतना नंबर जो है इनका प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, करेंगे क्या, हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब क्या होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, अभी आपको बताया कि अगर किसी को सपोज कहीं पे कट लग गया, सपोज करो कोई फिंगर पे कुछ काम कर रहे थे आप, काम करते करते क्या लग गया, कट लग गया, अब वहां से क्या होने लगी, ब्लीडिंग, लॉस ऑफ ब्लड होने लगा। अब वो ब्लड लॉस कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता, उसको एक टाइम के बाद आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्टॉप करने के लिए बॉडी में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है, अराउंड 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जहाँ पे भी आपको कट लगा है उसकी सराउंडिंग में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो ब्लड इन्हीं फाइबर्स में ऐसे स्टक हो जाता है, ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। फाइनली अगर यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है तो लॉस ऑफ ब्लड जो है वो आपका स्टॉप हो जाएगा, एंड यही होता है हमारा कोएगुलेशन का मैकेनिज्म जिसमें आपको प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स, ये जो अभी आपने क्लोटिंग फैक्टर्स पढ़े, अगर प्लाज्मा में से हम क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो दिस इज नोन एज सिरम, उसको आप क्या बोलोगे, सिरम। तो सिरम और प्लाज्मा में डिफरेंस होता है, प्लाज्मा जो है उसके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं, सिरम जो है उसके पास ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर दिस इज नोन एज सिरम। चलिए, तो अब कर लेते हैं एक बार एनसीईआरटी की रिविजन की एनसीईआरटी आपकी क्या बता रही है, क्या लिख रही है एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ही आपको कहा है कि आपको अगर कोई भी एग्जाम देना है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे सीबीएसई एग्जाम हो, तो उसके लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं एनसीईआरटी क्या बता रही है। ब्लड, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये सब्सटेंसेस होंगे, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, फ्लूइड मैट्रिक्स, ये चीजें होंगी। प्लाज्मा आपका कैसा है, स्ट्रॉ कलर्ड है, विस्कस फ्लूइड है, 55% जो है ये आपका ब्लड कंटेन कर रहा है, 45% जो है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंटेन करेगा। इसमें अराउंड 90 to 92% प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, एंड अराउंड 6 to 8% आपका प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 3 तरह के प्रोटीन्स होंगे, दैट इज फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। ठीक है, 3 तरह के आपके ये प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स, कौन कौन से हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन की अगर हम बात करें तो फिब्रिनोजन जो है आपका, फिब्रिनोजन क्या आपका हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में आपका हेल्प करेगा। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन्स क्या करेंगे आपके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे, हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म,
फाइट करना है अगर किसी सब्सटेंस से, एंटीजन से, तो उस टाइम पे आपके क्या करेंगे, ग्लोबुलिन सेक्ट करेंगे। देन हमारे पास क्या है, एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स क्या करेंगे, बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम करेंगे। सो ये थ्री मेजर प्रोटीन्स हैं आपके, फिब्रिनोजेंस जो है आपके क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, ग्लोबुलिन जो है आपके डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में हेल्प कर रहे हैं, एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 नेगेटिव, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्लाज्मा में प्रेजेंट हो। अदर देन दिस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एटसेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजियंट इन द बॉडी, ठीक है, ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आप खा रहे हो, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, ग्लूकोज ले रहे हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, लिपिड ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड में ही, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट हो, ठीक है। फैक्टर फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, बट ये फैक्टर्स कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब कभी क्लॉटिंग में हेल्प करनी है तब ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सिरप। बिना क्लॉटिंग फैक्टर के आप उसको क्या बोलोगे, सिरप बोलोगे। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स and they constitute nearly 45% of the blood. Erythrocyte or red blood cells जो हैं आपके most abundant cells हैं in the blood. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBC mm cube inverse, ठीक है, per mm of blood. RBCs are formed in the red bone marrow in adults. RBCs are devoid of nucleus in most of the mammal and are biconcave shape. Without nucleus होंगे, biconcave shape के होंगे. They have red color iron containing complex protein called hemoglobin. Red color का iron containing protein है, that is hemoglobin. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, red blood cells बोलते हैं. A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood. हर 100 ml of blood में 12 to 16 gram of hemoglobin जो है वो प्रेजेंट होगा। दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी, आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है आपका, आरबीसी हेल्प करेगा। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, दैट इज ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी में जाके ये क्या कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन हमारे पास क्या है, ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये कलरलेस है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विद एवरेज 6000 टू 8000 mm क्यूब इनवर्स ऑफ ब्लड, ठीक है, इतना नंबर जो इनका प्रेजेंट होता है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव, छोटे से टाइम पीरियड के लिए ये सर्वाइव करेंगे। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, that is granulocytes and agranulocytes. Granulocytes जो है आपकी further divided है neutrophils, eosinophils, basophils में granulocytes होंगे ये, और lymphocytes and monocytes क्या है आपके, agranulocytes. Neutrophils are the most abundant cells, 60-65% होंगे, 60-65% है total WBC के अंदर। Basophils जो आपके least है, 0.5-1% है। Neutrophils and monocytes, monocytes 6-8% बताएं आपको, आप फेगोसिटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स कैसे है, फेगोसिटिक सेल्स है विच डिस्ट्रॉय फॉरन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन द बॉडी। फॉरन सब्सटेंस को, जो भी आपका एंटीजन एंटर कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। बेसोफिल सिक्रीट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन एटसेट्रा एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। किसमें इन्वॉल्व होंगे, आपके इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। इओसिन्स जो है आपका 2-3% में है, रेजिस्ट कर रहे हैं इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। इन्फेक्शन तो रेजिस्ट कर ही रहे हैं, प्लस साथ में एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी समटाइम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। लिम्फोसाइट 20-25% में प्रेजेंट है। मेजर टू टाइप्स के लिम्फोसाइट है, दैट इज बी एंड टी फॉर्म, ठीक है। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इम्यून रिस्पॉन्स में कैसे हेल्प कर रहे हैं, एंटीबॉडीज जनरेट कर रहे हैं। एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे तो इम्यूनिटी डेवलप होगी आपकी, ठीक है, तो इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प कर रहे हैं। सो ये एक फिगर बनाई है, इसमें आपको दिखाया है कि आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, इओसिनोफिल्स में देखो सिंगल मोनो, ये आपकी बाईलोब्ड है और एक बिल्कुल सी थिन सी आपका कनेक्शन प्रेजेंट है।
बेसोफिल है, बेसोफिल में दिख नहीं रहा बल्कि बायलोबडी है, और ये थोड़ा थिक कनेक्शन जो है इनके बीच में प्रेजेंट होगा। न्यूट्रोफिल्स मल्टी लोबडी, आपकी कंडीशन दिख रही है बहुत सारे लोब्स हैं, मोनोसाइट्स हो गए एंड लिम्फोसाइट्स हो गए, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो है आपके प्रेजेंट हो गए। देन लास्ट आता है हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स जो है आपके स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होंगे, बहुत बड़े बड़े सेल्स है जिनके डिवीजन से आपका क्या फॉर्म हो रहा है, प्लेटलेट्स जो है वो फॉर्म। ठीक है, ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³। ठीक है, प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। बहुत सारे सब्सटेंसेज रिलीज कर रही है, इनमें से ज्यादातर सब्सटेंसेज जो है वो किसमें इन्वॉल्व है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर्स जो है आपके आपके यहाँ पे रिलीज होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर इनका नंबर रिड्यूस हो गया, प्लेटलेट्स ही नहीं बनी, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर कॉज हो सकते हैं। आपका ब्लड तो कभी स्टॉप ही नहीं होगा, वो तो फ्लो ही करता जाएगा, रिलीज ही होता जाएगा, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर कॉज हो सकते हैं विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो ये था हमारा बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड के बारे में हमने आज कवर किया। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था ये हमारा। ठीक है, एनसीईआरटी भी इसमें हमने आज ही साथ में कवर कर लिए, तो इतना अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।